हाय गाइस, दिस इज शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आने वाली है, मार्केट में कोई बड़ा फॉल आने वाला है, मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या आप लोग भी उसकी तैयारी कर रहे हो? तो गाइस, मैं यहां पे बात कर रहा हूं 2008 वाले क्रैश की, क्योंकि हर जगह इसी के बारे में बात हो रही है और इसी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या 2008 वाला क्रैश या उस टाइम पे जो फॉल आया था फिर देखने को मिल सकता है? ये बातें कौन कर रहे हैं? बातें दो तरह के लोग कर रहे हैं। या तो जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा जो है वो घट जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मिट्टी हो जाए, क्योंकि 2008 में ऐसे ही हुआ था। जो स्टॉक्स थे वो कौड़ियों के भाव में मिल रहे थे जब फॉल आया था। और कुछ लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, जिन्होंने उस टाइम का फॉल देखा था और उसके बाद देखा था कोड़ियों के दाम पे जो स्टॉक्स मिल रहे थे, आज वो कहां पे पहुंच रखे हैं, आज लोगों की चांदी हो रखी है जिन्होंने उस टाइम पे खरीदारी की थी। तो काफी सारे लोग जो है उस क्रैश का वेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मार्केट में गिरावट आ जाए और उनको सस्ते दामों पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में उतरने का मौका मिले। तो गाइस, ये क्रैश जो था 2008 वाला, ये बहुत ही खतरनाक था। ये वो क्रैश था जब हाहाकार मच गई थी, सिर्फ मार्केट में नहीं, हर जगह इसी के बारे में बातें हो रही थी। हर न्यूज चैनल पे, जनरल न्यूज चैनल हो या घरों में भी इसी के बारे में बात हो रही थी कि अब आगे क्या होगा। और इसी क्रैश का हवाला देते हुए लोग बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट से बच के रहो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से भी डरते हैं, उनको लगता है कि कहीं क्रैश ना आ जाए, कहीं फॉल ना आ जाए, कहीं उनके पैसे जो हैं वो मिट्टी ना हो जाए। तो भाई, अभी निफ्टी जो है कहां पे ट्रेड कर रहा है यार? इस तरह की बातें क्यों हो रही है, इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है? निफ्टी अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले, अभी मार्केट में माहौल कुछ अलग ही था। हर कोई बात कर रहा था निफ्टी जो है 21,000 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। जहां पे छोटी सी गिरावट आती है ना, अभी गिरावट है कितनी बड़ी यहां पे एक बार देखो भाई चार्ट पे, क्या बहुत बड़ी गिरावट आ गई है क्या अभी तक? क्या कुछ ऐसा हो गया है क्या कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है? यहां पे निफ्टी ने अपना हाई लगाया था 1960-70, ये हाई लगाया था, वहां से सिर्फ अभी 4.5% तक की तो गिरावट आई है। क्या ये बहुत बड़ी गिरावट है? देखो, पैनिक मचाने से कुछ नहीं होगा, कॉशस रहना ठीक है, पर वहां पे गलत डिसीजन ले लेना, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उससे बाहर आ जाना, मेरे भाई वो ठीक नहीं है। मार्केट में देखो करेक्शंस जो है आती रहेंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ भागती चली जा रही है, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ भागते हुए कभी भी नहीं जाएगी। कुछ ना कुछ मार्केट में खबरें आती रहेंगी, कुछ ना कुछ अफवाहें आती रहेंगी, जो कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे कमाई करने की अपॉर्चुनिटी होती है, पर वहां पे डर के घबरा के अपनी इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकलना होता। और बड़ी गिरावट गाइस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बड़ी गिरावट के बारे में बातें हो रही है, क्यों हो रही है मैं इस बारे में भी आपको बताता हूं, पर हाँ, बातें कुछ इस तरह की हो रही है कि भाई निफ्टी जो है 10,000 तक आ जाएगा, निफ्टी जो है 7,500 तक दोबारा देखने को मिल सकता है। तो गाइस, लोग अभी मार्केट में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? लोग अभी मार्केट को लेकर बेयरिश क्यों हो गए हैं? क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि 2008 वाले लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं? इस तरह की अफवाहें क्यों उड़ रही है मार्केट के अंदर? वो उड़ रही है माइकल बरी की वजह से, उनकी एक पोजीशन, उन्होंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं जो सामने आए, जिनको लेके लोगों को लगता है कि भाई हमें भी इस तरह के ट्रेड लेने चाहिए, और उन्होंने जो ट्रेडिंग डिसीजन लिया, लोगों को ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो सही जाने वाला है। क्यों लोगों को ऐसा लगता है? तो गाइस, इन्होंने पहले भी एक बार प्रिडिक्शन की थी, जिनकी प्रिडिक्शन बहुत सही गई थी 2008 के टाइम पे, जो फॉल आया था मार्केट में, इन्होंने समय से पहले उसको प्रिडिक्ट कर लिया था, समय से पहले इन्होंने चेतावनी दे दी, समय से पहले इन्होंने लोगों को बता दिया था, खुद भी इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई और अच्छी कमाई की, और काफी सारे लोगों ने भी इनको सुनते हुए, इनको फॉलो करते हुए 2008 में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, और वहां पे उनको जम के कमाई हुई, जम के फायदा हुआ। तभी से लोग जो है उनकी किसी टिप और उनकी किसी एडवाइस का वेट करते हैं कि कब यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, कब कोई टिप दे दे, कब ये कोई आइडिया दे दे कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है या फिर मार्केट में आने वाली गिरावट, और लोग उनको फॉलो करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी, बहुत बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है। तो इन्होंने कुछ शॉर्ट पोजिशन बनाई, अब इनकी शॉर्ट पोजिशन को देखते हुए लोगों ने भी क्या किया, शॉर्ट करना मार्केट को शुरू कर दिया है। वर्ल्ड मार्केट में भी गिरावट आ रही है, ग्लोबल मार्केट आप कहीं पर भी देख लो, कोई भी इंडेक्स देख लो, वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, ऑल्दो हमारे यहाँ पे गिरावट इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मूड माहौल अभी भी ठीक है। कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट जो है वहां पे इतनी बड़ी गिरावट नहीं आ रही जितनी अदर मार्केट्स में आ रही है। पर गाइस, क्या इनकी प्रेडिक्शन हमेशा सही जाती है? ये बिग शॉट है, बिग बियर है, ये बिग बुल नहीं है। ये हमेशा मार्केट में इसी तरह की प्रेडिक्शन करते हैं, जब मार्केट बिल्कुल पीक पे होती है तब ये बोलते हैं कि हाँ अब यहां से मार्केट में गिरावट आ सकती है, और वहां पे ये कुछ कमाई भी कर लेते हैं। ये मार्केट के अगेंस्ट जाके खेलते हैं, ये कॉन्ट्रा खेलते हैं, पर क्या इनकी प्रेडिक्शन हमेशा सही जाती है? तो गाइस, जनवरी में भी अगर आप लोगों को याद हो, इन्होंने वहां पे एक ट्वीट किया था, इनकी बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, 1.4 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, और उस टाइम पे इन्होंने लिखा था सेल, सिर्फ एक चीज लिखा था सेल, और वहां पे इनको सुनते हुए काफी सारे लोगों ने वहां पे अपनी सेल पोजीशन बना ली, शॉर्ट पोजीशन बना ली, मार्केट में बिकवाली कर दी, और वहां से मार्केट जो है ऊपर चली गई। बाद में इन्होंने लिख दिया आई एम सॉरी आई वॉज रॉन्ग।
तो गाइस क्या आप लोगों को लगता है कि इस बार भी माइकल बरी जो है गलत जाने वाले हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि इस बार गिरावट देखने को मिलेगी? जो भी आप लोगों को लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और भाई फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना, क्योंकि इस तरह की काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए यहाँ पे इस चैनल पे आती रहती है। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल भी है भाई, उसको भी सर्च कर लेना, कंसेप्चुअल ट्रेडिंग मार्केट एनालिसिस वाला, वहां पे भी मैं मार्केट एनालिसिस को लेकर वीडियो जो है अक्सर अपनी डालता रहता हूँ। तो गाइस जब उन्होंने कहा था कि भैया अब मार्केट में यहां से गिरावट आ सकती है, 1.4 मिलियन लोग जो उनके फॉलोअर हैं, काफी सारे लोगों ने वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उनको देखते हैं, पर वहां से मार्केट ऊपर चलेगी, कितना ऊपर चलेगी मार्केट, वहां से S&P जो है 16-17% ऊपर चला गया, उसके बाद नैसडेक जो है 38% वहां से ऊपर चला गया। तो क्या वो हमेशा सही होते हैं? क्या वो हमेशा सही होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, मार्केट में कॉशियस होके रहो। साथ ही साथ अभी कॉशियस रहने के लिए एक और वजह भी है गाइस। एक तो देखो इतने बड़े आदमी हैं, इन्होंने कुछ बोला है, कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, मोटिव होगा, कहीं ना कहीं मार्केट में वो पैनिक तो पैदा कर ही रहा है, लोगों के दिलों में डर तो पैदा कर ही रहा है, पर साथ ही साथ डॉलर में भी तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी पोजीशन सब ढीली करनी शुरू कर रहे हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। पर गाइस अभी तक जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ एजम्पशंस पे हो रहा है कि माइकल बरी ने बोला तो भैया वहां पे हमें शॉर्ट जाना है। पर एक और चीज भी है गाइस जो हमें समझने की जरूरत है, उन्होंने किस तरह की पोजीशंस बनाई है थोड़ा सा वो भी समझ लो। उन्होंने शायद 1.6 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन बनाई है, 1.6 बिलियन गाइस, और उन्होंने किस तरीके से शॉर्ट पोजीशन बनाई, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि फ्यूचर शॉर्ट कर दियो या स्टॉक से अपनी पोजीशन एग्जिट कर लियो, उन्होंने S&P के अंदर और नेस्डेक के अंदर 800-800 मिलियन के पुट्स खरीदी हैं। अब पुट्स लोग क्यों खरीदते हैं मेरे भाई? पुट ज्यादातर लोग जो बड़े HNIs होते हैं वो पुट खरीदते हैं अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। अब इनकी कोई इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी सी थोड़ी है, ये बहुत बड़े प्लेयर है मार्केट के, बहुत लंबा चौड़ा इनका हिसाब किताब है, बहुत भारी भरकम इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब उसको सेव करने के लिए उसकी इंश्योरेंस इन्होंने जहां तक मुझे लगता है वो की है, इनके पास बहुत बड़ा माल है, बहुत हैवी पोजिशन है, जिसको हेज करने के लिए कि भैया यहां से अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई तो वहां पे इन्होंने 800-800 मिलियन S&P और नेस्डेक के अंदर पुटे खरीदी हैं। तो ये चीज भी हो सकती है, वो थोड़ा कॉशियस होके चल रहे हैं, जो ही नहीं कि वहां से मार्केट में गिरावट आई, अगर गिरावट आ गई तो थोड़ा सा उन्होंने अपने लिए सेफ्टी क्रिएट किया। तो गाइस ये चीज अक्सर ट्रेडर्स जो है यहाँ पे भी करते हैं। समझ लो आपके पास इन्वेस्टमेंट है कोई 10 लाख की, अब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, लग रहा है आपको भी मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिर सकती है, तो उस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से बाहर आने की जगह आप क्या करोगे, निफ्टी की 2 पुटे खरीद लो, 2 पुटे छोटी सी क्वांटिटी है, 2 पुट होती कितनी है, आप समझ लो 2 पुट के अगेंस्ट 10 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को हेज करने के लिए लोग निफ्टी की 1 पुट या 2 पुट ऐसा कुछ खरीद लेते हैं, उतने का माल खरीद लेते हैं, और पुटों के अंदर बहुत कम पैसों के अंदर वो हेजिंग हो जाती है। अब आप सोचो इन्होंने 800-800 मिलियन की जो पुटे खरीदी है, इसके अगेंस्ट इनकी इन्वेस्टमेंट जो है कितनी बड़ी हो सकती है, समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो, गहराई में जाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई न्यूज फैलाई, कोई अफवाह चल रही है, कोई न्यूज चल रही है, या उसके ऊपर हम जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स ढीली करनी शुरू कर दे। आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा कॉशस होने की जरूरत है, पर डरने की जरूरत नहीं है। और इंट्राडे ट्रेडर्स को तो वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है भाई, मार्केट में गिरावट आएगी तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं ना। देखो मार्केट में जो मूड माहौल है भाई वो तो गिरावट का ही है। अब आप यहां पे देख लो, चाहे निफ्टी देख लो, चाहे बैंक निफ्टी देख लो, हर जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट जो है वीक है। एक बार थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहां पे एक बार चार्ट्स को देखते हैं। तो गाइस यहां पे देखिए नीचे, यहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, पर 2-3 बार यहाँ पे सेम लेवल पे सपोर्ट ले चुके हैं, तो अगर इस बार यहाँ पे आते तो बहुत हाई चांसेस है, बार बार एक ही लेवल पे आके टक्कर खाती है मार्केट, तो वहां पे सपोर्ट के टूटने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो अगर ये सपोर्ट टूटती है तो नीचे की तरफ एक बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। क्यों बिकवाली देखने को मिल सकती है? क्योंकि मार्केट में कुछ मूड माहौल इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम ऊपर के लेवल पे देखें, तो ऊपर के लेवल पे मतलब कि 19,400 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल्स में बिकवाली हुई है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 19,400 की कॉल में है, जहां पे भारी भरकम कॉल्स के अंदर बिकवाली हुई है, और ओपन इंटरेस्ट भी जम के बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ देख लो, जो पुट के अंदर बिकवाली थी वो हल्की होते हुए नजर आ रही है, वहां पे 11,000 मतलब कुछ पोजीशन वहां पे ढीली हुई है। तो कहीं ना कहीं संकेत देती है कि लोग जो है मार्केट में भी बेयरिश हैं। अगर कोई भी ऊपर की तरफ का उछाल देखने को मिलता है तो वहां पे सेलिंग ही आने वाली है, वहां पे लोग दोबारा से बिकवाली करने के मौके ढूंढेंगे। तो अभी की जो मार्केट है फिलहाल, जब तक ये डर खत्म नहीं होता, जब तक मार्केट में दोबारा से पॉजिटिविटी नहीं आती, तब तक
थोड़ा मूड मॉल मार्केट का खराब है, हर एक उछाल पे वहां पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर ट्रेड लेने की जरूरत है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। वहां पे आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली लेने चाहिए, और जब भी कोई बड़ी गिरावट आने वाली होगी गाइस, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई बड़ी गिरावट आएगी, वो गिरावट एक-एक आती है, अचानक आती है, वो सरप्राइज होता है मार्केट के लिए। यहाँ पे तो हम गिरावट जो है धीरे धीरे गिरावट देख रहे हैं। अब आप देखो ये जो गिरावट आई है ये किस तरीके से है, ये गिरावट कोई एक दिन के अंदर थोड़ी आई है, 2 दिन के अंदर थोड़ी आई है, पिछले कई दिनों से क्या चल रहा है, पिछले कई हफ्तों से, इनफैक्ट 4 हफ्तों से ऐसा चल रहा है कि धीरे 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 50-50 पॉइंट, 70-70 पॉइंट, 10-20-30 पॉइंट करते करते मार्केट जो है यहां तक पहुंची है। 5% गिरावट जो हमें देखने को मिल रही है, ये कई हफ्तों के अंदर हमें देखने को मिल रही है। जब मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है तो वो मार्केट के लिए सरप्राइज होता है, अचानक से कोई ऐसी न्यूज आती है, अचानक से मार्केट में कुछ ऐसा होता है कि एकदम से बड़ी बिकवाली आ जाती है। तो जब इस तरह क्रैश आना होगा तो हमें पता भी नहीं चलता, हम वहां पे देखते ही रह जाते हैं और एकदम से मार्केट में गिरावट आ जाती है। तो थोड़ा सा समझ के चलो, पोजीशंस अपनी ढीली मत करो, चार्ट पे नजर रखो, जब भी कोई गिरावट आनी होगी तो वो चीज चार्ट पे नजर आती ही है। राइट, चलिए गाइस, आप लोगों का जो भी व्यू पॉइंट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आने वाली है, क्या गिरावट के संकेत हैं, या फिर मार्केट में यहाँ पे फिर से आएगा एक उछाल, या फिर आपको क्या लगता है कि गिरावट जो है बाकी जगह तो देखने को मिलेगी पर इंडियन मार्केट जो है चुस्त दुरुस्त है, इंडियन मार्केट में इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक और चीज का संकेत देना चाहूंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केटों में गिरावट नहीं आएगी, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी, कुछ करेक्शन आ सकती है, पोजिशन थोड़ी सी ढीली हो सकती है, पर कोई बड़ा क्रैश मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो अगर हम बात करें देश को चलाते हैं, उनको पता है कि भैया मार्केटों को संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है? क्योंकि आगे इलेक्शन वाला टाइम आ रहा है, वो हर एक कोशिश करेंगे मार्केट को संभालने की, हर एक कोशिश करेंगे कि मार्केट में गिरावट ना आए। उसके लिए उनको जो भी कदम उठाने पड़े वहां पे वो कदम उठाएंगे, और बहुत ज्यादा मतलब चांसेस है कि यहां से मार्केट जो है फिसलेगी नहीं, यहां से कुछ करेक्शन दिखा सकती है पर उसके बाद मार्केट ने वापस दोबारा से जाना ऊपर ही। चलिए गाइस चलते हैं, वीडियो खत्म होने से पहले फटाफट से इसको लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।